दोस्तों यह है ऑब्जेक्टिव बोर्ड मिशन का सेट 16 जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, साथ साथ ही आपको बोर्ड एग्जाम में 100% स्कोर करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। लेकिन यह फायदा आपको तभी मिल पाएगा जब आप इस सीरीज के डेली सेट के सारे वीडियोज को बिल्कुल अंत तक देखते हैं, बिल्कुल लास्ट तक देखते हैं। साथ साथ में आपके टेस्ट के लिए, रिविजन के लिए, नॉलेज के लिए और प्लस टू लेवल में जितने भी जनरल एग्जाम जिसमें साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है उसके लिए भी यह बहुत हेल्पफुल होता है। और इस सीरीज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों को दोनों भाषाओं में मिल जाती है, मतलब कि जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम से एग्जाम देते हैं या जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से एग्जाम देते हैं दोनों के लिए यह हेल्पफुल होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशवनी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी इस एजुकेशनल चैनल एमिंग हाई में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरीके का रेड कलर का बटन वीडियो के नीचे कहीं दिख रहा होगा, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और आगे के सारे वीडियो को देखते रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन और हर एक शेयर हमें नए नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है, अंदर से जुनून लाता है कि आपके लिए सिखाएं, आपको बनाएं, आपके लिए वीडियो बनाएं। साथ साथ वीडियो को दोस्तों में शेयर करना और कमेंट करके यह बताना कि आपको इस चैनल से क्या सुधार चाहिए बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले हम आते हैं पहले क्वेश्चन पे, और सबसे पहले क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल एट डिस्टेंस आर फ्रॉम मिडल पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। क्वेश्चन को हिंदी में समझा दे, क्वेश्चन को यह कहा जा रहा है कि चुंबकीय द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर मध्य बिंदु से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समानुपाती होता है। अच्छा अच्छा, किसके प्रोपोर्शनल होता है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? तो देखिए, मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल के समय जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहा था, अभी तो चल रहा है आपका मैग्नेटिज्म, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहा था उस समय ही मैंने बताया था, अभी मैग्नेटिज्म के समय ही मैंने सब्जेक्टिव बोर्ड मिशन में बताया था कि अगर आपका कोई मैग्नेटिक डायपोल, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपका अगर कोई मैग्नेटिक डायपोल हो और इसके मिडल पॉइंट से r दूरी पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो एक्सियल लाइन पे। देखिए एक्सियल लाइन कह रहा है यहां, एक्सियल लाइन मतलब कहने का मतलब अक्षीय रेखा जिसे कहा जाता है, इस लाइन पे, इस पे नहीं, ऊपर जो ऐसे परपेंडिकुलर होता है इसे बोला जाता है इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन की बात नहीं कर रही है, वो बात कर रही है एक्सियल लाइन की। तो यहां जो r दूरी पे जो मैग्नेटिक फील्ड b का वैल्यू होता है ये होता है 2 Km/r³। फिर से ध्यान से सुनिएगा, यहां पे B मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है, पूछ रहा है किसके प्रोपोर्शनल है। तो पहले फार्मूला हम लोग जानेंगे तब ना बताएंगे किसके प्रोपोर्शनल, नहीं प्रोपोर्शनल से रखने के लिए तो हमको पता है किसका आंसर D हो जाएगा। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि यहां जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है वो होता है 2 Km/r³, जहां K होता है 4π। आप लोग को मैंने बताया था, आप लोग जानते हो, नहीं जानते तो रख लीजिए। और साथ साथ मैं ये बता दूं कि अगर इस इक्वेटोरियल लाइन पे, जो परपेंडिकुलर लाइन इस पे बोलता है ना, तो यहां 2 Km/r³ नहीं बल्कि यहां Km/r³ हो जाता है। तो वो भी फार्मूला को याद रख सकते हैं। देखिए तो कह रहा है किसके प्रोपोर्शनल है, किसके समानुपाती है। तो जब आप खुद देखिए, अगर देखिए तो इस फार्मूला को देखने के बाद या तो ये बोलिए कि जो b है, b वो r³ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाँ, ये जो b है वो r³ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या ये बोलिए जो b है ये O₁/r³ का डायरेक्टली है। आप जो बोलना है वो बोलिए। अगर आप टोटल O₁/r³ लेते हैं, टोटल का टोटल ऊपर में O₁ रहता है छुपा हुआ, तो अगर ये O₁/r³ आप टोटल ले लेते हो, O₁/r³ इस तरीके से O₁/r³, तो आप ये बोल दीजिएगा डायरेक्टली मतलब समानुपाती, और सिर्फ r³ बोलिएगा तो आपको हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती। वैसे समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये सब क्या होता है पहले पढ़े भी होंगे, मैंने भी बताया आपको कि नीचे वाला को लेंगे तो इनवर्सली बोलेंगे, टोटल को अगर हम सिलेक्ट कर लेंगे तो वो डायरेक्टली हो जाएगा, मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी, क्योंकि डी में कह रहा है कि किसके प्रोपोर्शनल है, किसके समानुपाती है। तो हमें पता है कि r³ का तो व्युत्क्रमानुपाती होगा, लेकिन 1/r³ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। और अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन पे। लेकिन आप सभी को पता है कि सेकंड क्वेश्चन से पहले हर दिन मैं क्वेश्चन ऑफ द डे पूछता हूं, मतलब आज का सवाल पूछता हूं, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग आंसर बताते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये क्वेश्चन ऑफ डे ना आपका पीछे की पढ़ाई को ना फिर से मजबूत करवाने के लिए पूछा जाता है हर दिन, ताकि आप सीखें भी और पीछे की चीजें ना आपको रिविजन हो जाए। इसलिए इसका आंसर जरूर बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में जिस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा ना, वो क्वेश्चन आपके दिमाग के परमानेंट माइंड में चला जाएगा। और भाई क्वेश्चन ऑफ द डे का जितना भी क्वेश्चन होता है तो सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन ऑफ द डे का जो क्वेश्चन होता है वो और भी इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं आप लोगों से कि इसका आंसर जरूर बताइएगा। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये कह रहा है, क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज, मतलब चुंबकीय आघूर्ण का SI मात्रक होता है। नंबर ए में एम्पेयर मीटर,
नंबर बी में एम्पेयर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, नंबर सी में जूल और नंबर डी में एम्पेयर मीटर स्क्वायर। अब जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर कौन होगा, ए बी सी डी। साथ साथ मेरे भाई वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए तो बनता है, अगर आप इस चैनल से कुछ सीख रहे हैं तो लाइक तो बनता है। और अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो सेकेंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है व्हेन ए मैग्नेट इज सस्पेंडेड थ्रू मिडल पॉइंट ऑफ मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड देन टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस इज मैक्सिमम व्हेन एक्सिस ऑफ मैग्नेट इज। क्वेश्चन को हिंदी में समझा दे, क्वेश्चन को यह कहा जा रहा ना कि जब किसी चुंबक को इसके मध्य बिंदु से किसी चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाता है तो इस पर कार्यकारी टॉर्क महत्तम तब होगा, कब, जब चुंबकीय अक्ष चुंबकीय क्षेत्र से कितना कोण बनाएगा। देखिए ऑप्शन जब पढ़िएगा यहां तो कोण के बारे में पूछा जा रहा है कि मतलब कितना एंगल हो कि आपको टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम हो। तो देखिए क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि आपका एक चुंबक है, आपने क्या किया, किसे मैग्नेटिक फील्ड से टांग दिया, तो आपको पता होगा कि ये चुंबक जो है वो मैग्नेटिक डायपोल का काम करता है, इसे हिंदी में बोला जाता है चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव का काम करता है और इस पे टॉर्क लगता है। तो देखिए टॉर्क का फॉर्मूला मैंने पहले ही बताया तो मैं फिर से बता देता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लगने वाला जो टॉर्क था इलेक्ट्रिक डायपोल पे, ये मैग्नेटिक डायपोल है, वहां इलेक्ट्रिक डायपोल पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो टॉर्क लगता था वो लगता था पीई साइन थीटा, जहां पी होता था मेरे भाई, जहां पी होता था मेरे भाई इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ई होता था इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पी था उसके जगह पर आ जाएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ई के जगह पर आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू साइन थीटा, यानी टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे भाई, एमबी साइन थीटा। टॉर्क का वैल्यू हो जाएगा एमबी साइन थीटा। और मैं आपसे यह कह रहा हूं कि आप खुद सोचिए ना कि टॉर्क मैक्सिमम कब आएगा, एम तो कांस्टेंट, बी तो कांस्टेंट, तभी ना टॉर्क मैक्सिमम आएगा कि ये दोनों तो कांस्टेंट है एमबी, बचा कौन, साइन थीटा, मतलब जब साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा, सबसे ज्यादा होगा, महत्तम होगा, उसमें टॉर्क का भी जो मान होगा वो सबसे ज्यादा होगा, महत्तम होगा। और आप बताइए तो साइन थीटा का महत्तम वैल्यू कितना होता है, तो 1, और कब होता है, जब थीटा कितना हो 90 डिग्री के बराबर, साइन 90 बनना होता है मेरे भाई, यानी आप लोग को पता चल गया कि टॉर्क मैक्सिमम, ये टॉर्क का वैल्यू सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा तभी मिलेगा जब साइन थीटा सबसे ज्यादा हो, मतलब 1 हो, तो 1 होने का मतलब कि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो। इसका सही आंसर हो जाएगा कि जब दोनों के बीच कोण 90 डिग्री हो, किसके किसके बीच, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय अक्ष के बीच, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। वैसे आप याद रख लीजिएगा कि टॉर्क की वैल्यू होती है एमबी साइन थीटा या एम क्रॉस बी भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहते हैं तो, ठीक है ना। साथ साथ मैं आपको यह बता दें कि अगर आप इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं और पीछे का वीडियो देखना चाहते हैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का लिंक नहीं है, 5-6 वीडियो का ही लिंक है, आप टोटल वीडियो देख लीजिए। उसके लिए आप क्या कुछ नहीं कीजिए, यूट्यूब पे एमिंग हाई चैनल सर्च कीजिए और उसके बाद वीडियो में जाकर होम के बगल में वीडियो दिखेगा उसमें जाकर टोटल का टोटल वीडियो देखिए, एक एक वीडियो देख लीजिए या प्ले लिस्ट में जाकर देखिए। लेकिन किसी तरीके से मेरे भाई अगर इस चैनल से कुछ सीखना चाहते हैं मेरे दोस्त तो आपको करना पड़ेगा रेगुलरिटी, मतलब आपको इस चैनल पे रेगुलर बना रहना पड़ेगा, नाइट में जाके एक बार कम से कम चैनल चेक करना पड़ेगा, वीडियो जब अपलोड करते हैं उसमें देखना पड़ेगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन भी कीजिएगा। अगर चाहते हैं कि चैनल को सपोर्ट करें तो लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर तो आप लोग करते ही हैं और शेयर कीजिए भी, अच्छी चीज है ना, टाइम पास की चीजें नहीं है बिल्कुल, मतलब पढ़ने लिखने की चीजें हैं, टाइम पास किसी का नहीं होगा, कोई सीख जाएगा तो बढ़िया बात है, ठीक है। तो अगर सीखते हैं कुछ, चाहते हैं कि इसका तरक्की हो, आगे हम और भी सब लोगों को सिखा सके, कल आपके जूनियर आएंगे, भाई आएंगे, सबको हम सिखा सके, तो वीडियो को लाइक शेयर ये सब कीजिए। और थर्ड क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर सुटेबल, मतलब प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु अधिक उपयुक्त होगी, मजबूत चुंबक, मजबूत चुंबक याद कीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट सुने होंगे ना कि यहां पे क्या किया जाता है कि तार को लपेट के अब बना दिया जाता है विद्युत चुंबक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, जब इसमें करंट बहाते हैं तार को चारों तरफ लपेट देते हैं इसके, तो तार लपेटने के बाद जब करंट बहाते हैं तो चुंबक के तरीके से काम करता है, मैग्नेट के तरीके का काम करता है। तो यही कहा जा रहा है आपको कि कौन है सबसे अच्छा, सबसे मजबूत चुंबक, चुंबक किससे बनेगा, तो सिंपल सी बात, वो वस्तु जो बढ़िया से मैग्नेटाइज हो,
वो वस्तु जो बढ़िया से चुंबक, जिसमें चुंबक का अन्य मतलब चुंबक जो होता है वो बढ़िया से उत्पन्न हो, बहुत बढ़िया से बन जाए, तो सिंपल सा उसके लिए तो आपको चाहिए नरम लोहा, सॉफ्ट आयरन। आप पढ़े होंगे कि सॉफ्ट आयरन से क्या होता है, कि सॉफ्ट आयरन तुरंत चुंबक हो जाता है, मजबूत चुंबक के तरीका से काम करता है। इसमें जो मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी होता है वो काफी ज्यादा काफी मजबूत होता है, यानी थर्ड का आंसर हो जाएगा बी। मेरे भाई याद रख लीजिएगा, आज के बाद कोई पूछेगा, कहीं इंटरव्यू में पूछ दे, कहीं एग्जाम में पूछ दे, कहीं पूछ दे कि अगर आपको मजबूत चुंबक बनाना है तो क्या यूज कीजिएगा, एक बार बोलिएगा नरम लोहा, सॉफ्ट आयरन। वो जो सॉफ्ट आयरन होता है ना, वो मुलायम, वो क्या, कच्चा लोहा वो सॉफ्ट आयरन होता है। ठीक है, तो यहां से आपको मैं क्या कहूं कि इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। और अब हम चलते हैं आगे, अब हम आगे चलते हैं मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्या बहुत बड़ा हार्ड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, क्या है नहीं, वो जरा देख लेते हैं। तो देख लेते हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए कहा जा रहा है, एट एनी प्लेस एंगल ऑफ डीप इज दैट। अच्छा, ये तो डीप एंगल का डिफिनेशन ही पूछ दिया आपसे, ये तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही अभी हो गया, सब्जेक्टिव बोर्ड मिशन। साथ साथ में इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपसे एक बात बोल दूं कि देखिए आज दिन है आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, आज दिन है सब्जेक्टिव बोर्ड मिशन का ना, लेकिन मैं आपको आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रहा हूं, मतलब ऑब्जेक्टिव बोर्ड मिशन, क्योंकि मैं थोड़ी सी टाइमिंग में चेंज की है, जो आपको टीटीएस में आता था ऑब्जेक्टिव बोर्ड मिशन, अब से ऑब्जेक्टिव बोर्ड मिशन एमडब्ल्यूएफ में आएगा, और जो एमडब्ल्यूएफ में आता था सब्जेक्टिव बोर्ड मिशन वो आपको आएगा टीटीएस में, क्योंकि ताकि आप लोगों को, मेरी कोशिश है ना कि समय पे आप लोगों को वीडियो दे सकूं, एक्चुअली टाइम सही ढंग से नहीं मैच कर पा रहा था, इतना क्लासेस लेना होता है। मैं जानता हूं कि आप लोग इस चैनल से बहुत आशा करते हैं, मुझे पता है ये बात कि आप लोग बहुत आशा करते हैं, वीडियोस का वेट भी करते हैं बिल्कुल 11:30 बजे, लेकिन क्या करूं मेरे भाई, हो नहीं पाता है। अभी देखिए टाइम यहाँ पे बजने वाला है लगभग 12:45 हो रहा है, मैं वीडियो बना ही रहा हूँ, क्योंकि अभी जस्ट क्लास से मैं आया हूँ तो अभी मैं वीडियो ही बना रहा हूँ। अब वीडियो 12:45 हो जाएगा तो अपलोड होते होते कम से कम तो 12:15 हो जाएगा, पूरा अपलोड होने में जो टाइम वगैरह लगता है सब होकर 12:15 हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि मतलब थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, लेकिन उसके लिए नहीं सोचना है, थोड़ा टाइमिंग का चेंजिंग किया ताकि आप लोगों के लिए मैं और भी वीडियो लाऊं, डेरिवेशन का वीडियो भी आप लोग कर रहे हैं सर, डेरिवेशन न्यूमेरिकल्स, लेकिन क्या करूं दिन में 1-2 वीडियो से ज्यादा वीडियो हो ही नहीं पाता है, कर ही नहीं पाते, इतना क्लासेस ही होता है स्पेशली, तो इसके लिए हम नहीं समय देते हैं यूट्यूब के वीडियोज के लिए स्पेशली, तो क्लास पे समय देते ना, बच्चे के टाइम में आप लोग के लिए मैं वीडियो बनाता हूं। लेकिन हाँ, आप लोगों का अच्छा सपोर्ट है इसलिए मैं 1 घंटे अब इस पे समय हर दिन दे रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि ताकि समय दूं आप लोग सीख सके। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में, 4th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी स्थान पर नमन कोण वह है जो डीप एंगल क्या है। तो देखिए मैं बता दूं होता क्या है ना, समझिएगा, मान लीजिए आपका ये पृथ्वी है, समझ, पृथ्वी का ये सतह है, और हर एक जगह पर देखिए कहीं तो मैग्नेट फील्ड ऐसे होगा, कहीं तो चुंबकीय क्षेत्र, जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र वो बिल्कुल ऐसे होगा, मतलब पृथ्वी के अलोंग, यहां जब चुंबक टांगिएगा ना तो चुंबक भी ऐसे ही रह जाएगा, किधर आ जाएगा चुंबक मेरे भाई, ऐसे ही जैसे ये सतह है पृथ्वी का, ये सतह है तो ऐसे टांगेगा चुंबक तो बिल्कुल ऐसे रहेगा, आप लोगों को भी लगेगा सर चुंबक टांगेगा तो ऐसे होगा, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रहेगा, मतलब बिल्कुल क्षैतिज दिशा में रहेगा, लेकिन नहीं सब जगह ऐसे नहीं होता है, सब जगह ऐसे नहीं, तो अपने सर से पढ़े होंगे कि कहीं कहीं बहुत जगह पृथ्वी का ऐसा स्थान है, खास करके इक्वेटर वगैरह पर तो सीधा आपको हो जाता है, इक्वेटर नहीं पोल पे जाके सीधा 90 डिग्री हो जाता है, पोल जहां होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, हटाइए, मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए पृथ्वी का सतह, ध्यान से सुनिएगा, मैं एंगल ऑफ डीप समझा रहा हूं, पहले समझा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ये पृथ्वी का सतह है और कहीं कहीं ना मेरे भाई चुंबकीय क्षेत्र तिरछे भी होता है, कैसे, इसका जवाब मैं बाद के वीडियो में लाऊंगा, बढ़िया से बताऊंगा कि आखिर कैसे, इस साल नहीं तो अगले साल आपके जूनियर को तो सीखने को मिलेगा कि ऐसा क्यों होता है। तो जब तिरछे रहेगा ना, तो जब आप यहां से खड़ा चुंबक को रखिएगा तो चुंबक ऐसे नहीं रहेगा, चुंबक देखिएगा यहां पे, चुंबक ऐसे नहीं रह पाएगा, चुंबक इस तरीके से मतलब हॉरिजॉन्टल नहीं रह पाएगा, मैं सब साफ कर देता हूं, बल्कि ये चुंबक ना ऐसे हो जाएगा, ऐसे इस तरीके से, क्योंकि जिधर चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, जैसे चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए तिरछे इधर की ओर, तो फोर्स भी तो चुंबक पे इधर ही की ओर लगेगा ना, तो जब बल इधर की लगेगा, फोर्स लगेगा, तो चुंबक भी तो तिरछे हो जाएगा, तो ये जितने एंगल से ये चुंबक मतलब जितने एंगल से मैग्नेटिक फील्ड उठा हुआ है, चुंबक उठा हुआ है, इसी को बोलते हैं हम एंगल ऑफ डीप। तो समझ में आ गया कि एंगल ऑफ डीप क्या क्या, तो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है, उसका ये हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज से बनने वाले कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डीप। तो देख लेते हैं कि आंसर इसका क्या है, नहीं है कौन सा इसका आंसर होगा, आप लोगों से आज के बाद कभी पूछे कि एंगल ऑफ डीप क्या, नमन कोण क्या है, तो बोलिएगा पृथ्वी के का चुंबकीय क्षेत्र जो क्षैतिज से मतलब मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल बनाता है, उसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डीप। तो देखा जाए तो यहां ए बी 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 पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज से,
के साथ बनाता है। हाँ, तो देखिए यहाँ पे सही आंसर कौन हो जाएगा, बी। यहाँ कह रहा है वर्टिकल के साथ, ऊर्ध्वाधर मतलब होता है वर्टिकल, वर्टिकल के साथ नहीं। इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, बी। इसका बी सही आंसर हो जाएगा। तो आप एंगल डीप भी सीख लिए, साथ साथ में देखिए मैं आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज बताऊं। देखिए एक्स्ट्रा नॉलेज क्या है कि ये जो आप चुंबक लटकाएंगे तो चुंबक कैसे रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड, देखिए समझिएगा ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो चुंबक लटकाएंगे तो एग्जैक्ट चुंबक किसी के लॉन्ग नहीं लगेगा, थोड़ा सा चुंबक कम हो जाएगा, हल्का सा तिरछा होगा, इसलिए ना, क्योंकि चुंबक में बहुत सारी बातें हो जाती है, एक तो वजन भी होता है और भी बात होता है, वजन भी होता है और भी बात होता है। तो मान लीजिए कि इधर की ओर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे तिरछे है तो चुंबक एग्जैक्ट इसके लॉन्ग नहीं रहेगा, चुंबक हल्का सा कम कोण बनाएगा, मतलब उतना, जैसे मान लीजिए ये 60 डिग्री बनाना, 60 डिग्री, तो चुंबक आपको 55 डिग्री पे, 50 डिग्री पे, ये इतना तिरछा रहेगा, थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। तो ये जो रियल होता है उसको रियल, रियल बोलते हैं एंगल ऑफ डिप, रियल नमन कोण, और जो छोटा होता है इसको बोलते हैं हम लोग आभासी बोलिए वो, या जो भी बोलना है वो बोलिए, ठीक है। तो आप लोग को एक्स्ट्रा नॉलेज हम बता दिया कि रियली उतना पे रहता नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे पूछा रहा है एंगल ऑफ डिप, तो वही बोलिएगा कि जितना मैग्नेटिक कोण बनाएगा उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। और हम चलते हैं सीधे फिफ्थ क्वेश्चन पे, पांचवें क्वेश्चन पे, कि पांचवें क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है। जल्दी जल्दी वीडियो को जल्दी जल्दी समझा के आप लोग को खत्म कर देते हैं, क्लासेस भी तुरंत लेना है, आप लोग का कमेंट भी देखना है। देखिए हम आप लोग के एक एक बच्चे का कमेंट पढ़ते हैं, एक एक स्टूडेंट का हम कमेंट पढ़ते हैं, उस पर विचार करते हैं, भले ही रिप्लाई कर पाए या नहीं, रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर रिप्लाई करने लगते हैं ना तो फिर सब बच्चे का कमेंट नहीं पढ़ पाता, और हमें तो सबका कमेंट पढ़ के वहां काम करना है उस पर। तो देखते हैं बहुत सारे बच्चे का कमेंट होता है, सर भंडी ग्राफ जेंटर, बहुत सारे बच्चे का ट्रांसफार्मर, बहुत सारे बच्चे का ऑप्टिक्स, जल्दी सबका ही पूरा करने वाला हूं, बिल्कुल कमेंट का बाद, कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट करके हमेशा बताते रहिए, मैं पढ़ते रहता हूं सबके सब। देखिए फाइव नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, एट एनी प्लेस अपारेंट एंगल ऑफ डीप इज ऑलवेज, किसी स्थान पर आभासी नमन कोण सदा, क्या होता है आभासी नमन कोण, जो आभासी नमन कोण होता है वो ट्रू डीप एंगल से क्या होता है, जो ट्रू डीप एंगल होता है उससे जो आभासी होता है, जो मतलब जो लगता है आपको कि उतना होना चाहिए लेकिन उतना होता नहीं है, तो वो क्या होता है, बड़ा होता है कि छोटा होता है, मैंने अभी ऊपर बताया है कि जो आभासी होता है, आभासी वो जो ट्रू से बड़ा होता है या छोटा होता है, जल्दी से सोचिए ऊपर, आप लोग जल्दी सोचिए, मैं आंसर इसका जल्दी बताता हूं। तो अगर आप लोग इसका आंसर सोच लिए तो मैं बता दूं कि इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मतलब ग्रेटर देन ट्रू डीप एंगल, जो यथार्थ होगा वो ट्रू से ज्यादा होगा। मैंने अभी नहीं बताया कि जो ट्रू होता है वो थोड़ा सा कम जाता है, ट्रू जो रियल होता है, सही जो होता है रियली में, देखिए मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे तिरछे है, तो मैंने बताया ना कि मैग्नेटिक फील्ड जो तिरछे है तो ये थोड़ा सा ज्यादा एंगल पर रहेगा, और मैग्नेट थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम एंगल पे हो जाएगा, मतलब जो ट्रू से होगा ना, जो आभासी होगा, जो आपको लगना चाहिए कैलकुलेशन से लगेगा कि नहीं इतना आना चाहिए, लेकिन उतना आएगा नहीं, ट्रू जो होगा वो आपका हल्का सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ट्रू जो हो जाएगा वो हल्का सा कम हो जाएगा, मतलब ग्रेटर देन ट्रू डीप एंगल, ट्रू डीप एंगल से जो आभासी होता है वो बड़ा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सही उत्तर हो जाएगा बी। और अब हम चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे, इसका आंसर मैंने अभी ऊपर बताया है, थोड़ा सा देख लीजिए, ध्यान दे लीजिए, ठीक है। हम चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे, कि छठे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा छठे क्वेश्चन में। अच्छा, सिक्स्थ क्वेश्चन में कह रहा है लिक्विड और गैस और द्रव और गैस क्या होता है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता है ना कि जो द्रव और गैस है वो आपका डायमैग्नेटिक जो हो सकता है, पारामैग्नेटिक भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपका जो फेरोमैग्नेटिक है वो नहीं हो सकता है। मतलब ये मैं कह रहा हूं कि फेरोमैग्नेटिक द्रव और जो गैस होता है वो फेरोमैग्नेटिक जो हाईली मैग्नेटाइज होता है, मैंने कल सब्जेक्टिव बोर्ड बढ़िया से बताया था, बहुत बढ़िया से पारामैग्नेटिक डायमंड बढ़िया से मैंने डिटेल में बताया था कि कैसे दोनों में क्या डिफरेंस वगैरह है, अगर आप रेगुलर देखते होंगे वीडियो को तो पता होगा, तो आप लोग याद कर लीजिएगा कि द्रव और गैस है जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं हो सकता है, लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं हो सकता है, लिक्विड और गैस। अब चलते हैं सेवन नंबर क्वेश्चन पे, सातवें क्वेश्चन पे, कि सातवें क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, लेकिन सातवें क्वेश्चन से पहले देखिए आपको यहां का मैसेज शो कर रहा है, जल्दी से वीडियो को रोककर इस मैसेज को पढ़िए, सोचिए कि मेरा कहना सही है गलत, अगर सही लगता है तो इस पे अमल कीजिए, और हम बार बार बोलते हैं कितना बोले, बोलते हैं सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट अगर आप लोग नहीं कीजिएगा, स्टूडेंट लोग सपोर्ट नहीं कीजिए करेंगे इस पढ़ने वाले चैनल को तो और कौन करेंगे, वो थोड़ी ना करेंगे जिनको एक्टर बनना है, डांसर, उनका तो एक काम का चीज ही नहीं है, लेकिन जिनको पढ़ना है वो तो सपोर्ट करेंगे ना, इसलिए आप लोगों से कहते हैं कि आप लोग इसको सपोर्ट कीजिए, मेरी एक कोशिश है कि ताकि स्टडी का चीज भी आगे जा सके, ये सब सोशल मीडिया साइट पे बहुत आगे जा सके, टाइम पास वगैरह बच्चे का कम हो, टाइम पास जितना कम होगा उतना ही कैरियर बनेगा, उतना ही परिवार आपका आगे जाएगा, जिंदगी आपका कैरियर संभलेगा। देखिए सेवन नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ड्यू टू मूविंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू इक्वेटर एंगल ऑफ डीप विल बी, वही डीप ही एंगल का भी क्वेश्चन है, तो मैं बता दूं, देखिए आपको कहा जा रहा है ना कि जब नॉर्थ पोल से, नॉर्थ पोल आपका ये ऊपर होता है, तो देखिए नॉर्थ पोल पे ना मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होता है, आपको पता होगा कि साउथ, यहां जो नॉर्थ पोल, सॉरी
चुंबक का जो नॉर्थ पोल होता है वो नीचे होता है, जो मेट्रिकल नॉर्थ पोल होता है ये ऊपर होता है, जो चुंबक का नॉर्थ पोल होता है वो नीचे होता है। तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है और जाके कहां इंटर करता है, साउथ पोल पे। तो आपको पता है कि देखिए तो यहां पे नॉर्थ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड किधर, सीधा परपेंडिकुलर, और फिर धीरे धीरे बढ़ते 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 ये जो इक्वेटर वाला पॉइंट है, इक्वेटर पे जाके कैसे हो गया, बिल्कुल देख पृथ्वी, यहां पे पृथ्वी ऐसे है और यहां पे पृथ्वी अर्थ आपका इस तरीके से, यहां पे अर्थ इस तरीके का और यहां पे अर्थ इस तरीके का है। तो यहां के लोगों के लिए देखिए चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल पृथ्वी की तरफ हो गया, जिधर आपका पृथ्वी है सरफेस है सतह अर्थ का, उधर ही की ओर हो गया मैग्नेटिक फील्ड, कहां इक्वेटर पे, और ये जो पोल है पोल, ये जो पोल है पोल, यह नॉर्थ पोल, यहां पे क्या सरफेस पे सीधा परपेंडिकुलर, क्योंकि यहां से निकला है ना तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, यानी यहां पे चुंबक रखेंगे तो सीधा 90 डिग्री पे खड़ा हो जाएगा, और यहां पे इक्वेटर पे जाएंगे तो जाते जाते बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, मतलब 0 डिग्री पे हो जाएगा, मतलब घटता है। पहले वैल्यू इसमें क्या हो जाता है, इसमें जब नॉर्थ पोल से इक्वेटर पे जाते हैं तो घटता है। इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, सी। लेकिन देखिए इसी क्वेश्चन में बोलता कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाएंगे तो क्या होगा, हां समझिएगा, इसी क्वेश्चन में कहता मेरे भाई कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे जाएंगे तो क्या होगा, इसका तो सही आंसर सी हो जाएगा, आप लोग नोट कर लीजिए। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर नॉर्थ पोल से आप साउथ पोल पे जाइएगा ना, तो पहले यहां से देखिए 90 पे, यहां पे बिल्कुल 90 पे है, जाइएगा जब यहां पहुंचेगा तो घटते 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 यहां पहुंचेगा तो बिल्कुल 0 हो जाएगा, और यहां जब 0 हो जाएगा तो यहां से फिर बढ़ते 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 यहां जाइएगा तो फिर से 90 हो जाएगा, क्योंकि सरफेस से परपेंडिकुलर है ना, यानी पहले घटता है और फिर बढ़ता है, लेकिन कब, जब नॉर्थ से साउथ जाइएगा तब, लेकिन नॉर्थ से इक्वेटर तक जाइएगा तब घटते ना जाएगा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी इस क्वेश्चन का, 7 का। लेकिन बोलता नॉर्थ से साउथ, तो उसका सही आंसर हो जाएगा डी, मतलब पहले घटता है फिर बढ़ता है। अब चलते हैं 8 क्वेश्चन पे, 8वें क्वेश्चन पे, लेकिन कमेंट करके क्वेश्चन रेडे का आंसर जरूर बताइए, बिल्कुल बताइए, क्योंकि आप लोग के आंसर का हम वेट करते हैं, और आप लोगों से वहीं सब बातें करेंगे कि देखिए व्हाट्सएप नंबर जो आपको दिख रहा है यहाँ पे नीचे, अभी वीडियो में नीचे दिख रहा है, इस पर आप लोग वीडियो एसएमएस कर सकते हैं, एसएमएस कीजिएगा तो आपको वीडियो लिंक मिल जाएगा, वहां पे वीडियो का लिंक भी भेज दिया जाएगा, बस तो टाइम लगता है व्हाट्सएप पे भेजने में, आप लोग यूट्यूब पे मिंग हाई चैनल सर्च करके टोटल का टोटल देख सकते हैं। अब देखिए 8 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ऊपर नीचे हो जा रहा है, 8 क्वेश्चन में कहा जा रहा है, 8 क्वेश्चन में हिस्टेरेसिस शोज दैट, मतलब शैथिल्य प्रदर्शित करते कौन, ये तो पढ़ी होंगे ना, हिस्टेरेसिस शो करता आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता, पढ़े भी होंगे कि हिस्टेरेसिस लूप जो होता है आपका शैथिल्य लूप वो कुछ इस तरीके का होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटाइज होता है, ऐसे क्या बोलता है ऐसे करके इस तरीके से मैग्नेटाइज होता है, जब हटाते हैं तो फिर इस तरीके से जाता है, फिर जब हम हटाते हैं तो ऐसे जाता है इस तरीके से, आप पढ़े होंगे, ये जो एरिया होता है वो एनर्जी को के बताता है लॉस को, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सही आंसर कौन हो जाएगा, इसका भी याद कर लीजिएगा, हिस्टेरेसिस जो है आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, क्योंकि यही मैग्नेटाइज होकर ना परमानेंट मैग्नेट मतलब बनने का रखता है कैपेसिटी कि आपको ये मैग्नेट के रूप में रह सके, अगर मैग्नेटिक फील्ड हटा देंगे तो भी देखिए कुछ ना कुछ वैल्यू, जब मैग्नेटिक फील्ड बाहर कर देंगे तो यहाँ कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, अगर आप समझते होंगे तब कुछ ना कुछ रह जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, बी। आप लोग याद कर लीजिएगा कि शैथिल्य सिर्फ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है। अब हम चलते हैं 9 क्वेश्चन पे, 9 क्वेश्चन में कहा जा रहा है कॉपर कैसा मटेरियल, तो इसका तो मैं सिर्फ आंसर ही बताऊंगा कि कॉपर जो है वो डायमैग्नेटिक है, ये पढ़ने वाला चीज अपने सर से पढ़िएगा समझिएगा, रटने का भी चीज है, रट सकते हैं, समझने का इसके पीछे वजह भी होता है, लेकिन अगर अभी आप सिर्फ इसे इतना याद रखिए कि जो कॉपर है वो आपका डाई मैग्नेटिक मटेरियल है, क्योंकि समय थोड़ा सा वीडियो का लंबाई बहुत ही बढ़ते जा रहा है, तो मैं यहां से आगे जाता हूं 10 नंबर क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन पे आज का, कि क्या कहा जा रहा है, और जल्दी से ये चैप्टर तुरंत खत्म ही हो गया, कुछ नहीं बचा शायद मेरे ख्याल से, एक सेट या डेढ़ सेट और बचा होगा इसमें, फिर आ जाएगा आपका एसी, फिर ईएमआई एसी, और उसके बाद आपका ऑप्टिक्स आ जाएगा, मतलब 2 कुछ दिन और वेट कर लीजिए, ऑप्टिक्स जल्दी ही आ जाएगा, थोड़ा वेट करना पड़ता है कभी कभी, वेट कर लीजिए, हम लोग मेरे पास भी बहुत ही होता नहीं तो मैं दिन में 2-3 वीडियो आप लोगों के लिए ला देता, क्या करता क्या करूं, आप लोगों को सिखाने का शौक है लेकिन फिर भी समय पेट तो कोचिंग पढ़ाने से ही चलेगा, आपका जिंदगी अगर आगे बढ़ाना तो पढ़ाना ही पड़ेगा। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है पोटेंशियल इनर्जी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ मैग्नेट ऑफ डायपोल मोमेंट एम इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज, अच्छा स्टेबल इक्विलिब्रियम में कहा जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा जो है, यहां देखिए स्थितिज ऊर्जा जो है ये कब पूछा जा रहा है, जब स्टेबल इक्विलिब्रियम हो, तो देखिए आपको मैंने बताया था कि एनर्जी जो होता है, मैं बताया था आप लोगों को, वो माइनस आपको होता है एमबी कॉस थीटा के बराबर, मेरे भाई आपको याद होगा कि जो एनर्जी होता है वो होता है माइनस एमबी कॉस थीटा के बराबर, और आपको ये नहीं कहा जा रहा, कहा जा रहा कि जब स्टेबल इक्विलिब्रियम हो तब एनर्जी कितना होगा, तो मेरे भाई इसमें एक आ गया एक्स्ट्रा नॉलेज मेरे दोस्त, एक आ गया एक्स्ट्रा नॉलेज ये आ गया कि सर स्टेबल इक्विलिब्रियम होता कब है, सर ये तो समझ रहे हैं, आप पढ़ाए थे हमको पहले कि जब मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं मैग्नेट को किसी चुंबक को, तो इसमें लगता है टॉर्क, तो इसके कारण ये इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं ग्रहण करता, लेकिन आपने बोला था कि इक्विलिब्रियम होता, लेकिन इक्विलिब्रियम कब होता, तो देखिए इक्विलिब्रियम तब होगा ना जब चुंबक मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग रहेगा, उसमें भी
उसमें भी जब इधर साउथ पोल हो और इधर नॉर्थ पोल हो, तब ऐसा नहीं कि उसके लॉन्ग वाइज सर साउथ तरफ नॉर्थ और नॉर्थ तरफ साउथ, उसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, उसको अस्थाई नहीं, उसको अस्थाई संतुलन बोलते हैं, अस्थाई। और यहां तो कह रहा है स्थाई संतुलन, तो आप लोग इतना याद रख सकते हैं। देखिए मैं इसे फिर से क्लियर कर थोड़ा बढ़िया स्पीकर बना देता हूं आप लोग के लिए। क्या तो क्या मैंने बताया कि स्थाई संतुलन कब मिलेगा, और ये यहां नहीं। अब देखिएगा अपना क्वेश्चन बैंक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पूछा गया है कि स्थाई संतुलन कब मिलता है, तो वहां भी यही बात होता है, यहां भी यही बात हो रहा है। क्या बात हो रहा है बता रहे हैं, देखिए जब चुंबक इस तरीका से हो कि इधर साउथ पोल और मैग्नेटिक फील्ड, देखिए आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है इधर की ओर बी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड जो इधर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, बाहरी वाला बाहरी चुंबक के क्षेत्र है, और इधर जो आपका नॉर्थ पोल हो, तो इस तरीके से चुंबक हो कि उसका नॉर्थ पोल हो चुंबकीय क्षेत्र की तरफ और साउथ पोल उसका उल्टा तरफ, तब आपका ये जो स्थाई होगा। और आपको पता होगा कि जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है, मतलब जो एम वेक्टर होता है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल। तो देखिए तो एम वेक्टर भी इधर ही की ओर और बी वेक्टर भी इधर ही की ओर, तो मेरे भाई याद कर लीजिएगा कि स्टेबल तभी मिलेगा ना जब एम वेक्टर मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और ये जो आपका बी वेक्टर मतलब चुंबकीय क्षेत्र मतलब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो है ये और चुंबकीय क्षेत्र इसके बीच का जो कोण होगा 0 डिग्री। हां अगर 180 डिग्री होगा मतलब कि मैं कह रहा हूं मान लीजिए बी आपका इधर की ओर, यहां देखिए मान लीजिए आपका बी इधर की ओर है और आपका जो ये है क्या बोला जाता है उसको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वो इसके उल्टा डायरेक्शन में है, तो इस समय एंगल तो आ जाएगा 180 डिग्री, तो इस समय स्थाई नहीं रहेगा, इस समय अस्थाई हो जाएगा। ठीक है इसमें जो होगा वो कौन सा होगा स्थाई, मैं बात कर रहा हूं स्थाई का, तो स्थाई संतुलन तभी मिलेगा जब दोनों के बीच बनने वाला कोण 0 डिग्री, किसके किसके बीच मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र और जो आपका जो एम वेक्टर है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जिसे बोलते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, वो आपका इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो। ठीक है यानी यहां देखिए आपको तो एक चीज समझ में आ गया कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, अच्छा जैसे पता लगा कि थीटा तो पुट कर दीजिए माइनस एम और बी हो जाएगा, बी एनर्जी का वैल्यू यही ना होता है जी यू माइनस एम बी कॉस थीटा, तो एम माइनस माइनस एम हो गया एम बी हो गया बी और थीटा के बराबर कितना जाएगा कॉस 0 और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है मेरे दोस्त, तो कॉस 0 बराबर 1 होता है, तो 1 पुट कर देंगे तो किसके बराबर आ जाएगा माइनस एम बी के बराबर, कॉस 0 1 होगा तो 1 से गुणा करेंगे तो माइनस एम गुना बी गुना 1, तो माइनस एम यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वहीं बोलेंगे लास्ट में, एक तो वीडियो अंत हो गया वहीं बोलेंगे लास्ट में। वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी भी कम से कम लाइक कर लीजिए, वीडियो को बिल्कुल शेयर कीजिए एक-एक 12th बच्चा के पास, एक एक 12th बच्चा के पास वीडियो को बिल्कुल पहुंचा दीजिए सारे के सारे 12th स्टूडेंट के पास, क्योंकि अगले साल भी से वीडियो आएगा, कमेंट करके क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइए मेरे दोस्त। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, इसी तरीका से पढ़ते रहिए सीखते रहिए, अब बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स में प्लस 95% मार्क लाना है। जय हिंद, वंदे मातरम।